गर्मी बढ़ रही है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग दिन भर एसी में बैठे रहते हैं। एसी में रहने से गर्मी का एहसास कम होता है। वही कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय खोजते रहते हैं। कुछ लोग घर में कूलर लगवाते हैं तो कुछ गर्मी से राहत पाने के लिए एसी का उपयोग करते हैं। कूलर से गर्मी में और ज्यादा ह्यूमिडिटी होने लगती है, ऐसे में ज्यादातर लोग एसी ही लगवाते हैं। एसी में जाते ही पसीना तुरंत सूख जाता है और गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा देर तक एसी में रहना आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? आप जब लंबे समय तक एसी में रहते हैं और फिर एकदम से एसी से बाहर निकलते हैं तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है। इसे सेहत को ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। अगर आप लंबे समय तक एसी में रहते हैं तो चलिए जानते हैं आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है। स्किन रूखी होने लगती है। जब आप अधिक समय तक एसी में सूखते रहते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी त्वचा की नमी को सोख लेता है, जो आपकी त्वचा को ड्राई कर देता है। ऐसे में अगर आप त्वचा पर ग्लो चाहते हैं तो अधिक समय तक एसी में ना सोएं। इससे आपकी स्किन रूखी और बेजान हो जाएगी। अगला है, तबीयत खराब हो सकती है। जब आप अधिक समय तक एसी में सोते हैं तो आपको गर्मी भले ही ना लगती हो और ठंडक का भरपूर एहसास होता है, लेकिन यह सर्दी जुकाम की परेशानियों को बढ़ा देता है। इससे आपको सर्द गर्म और जुकाम की समस्याएं हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें कि एसी कुछ समय तक ही चलाएं और बीमार होने से बचें। अगला है, बदन दर्द को बढ़ावा देता है। काफी समय तक एसी में सोने से धीरे धीरे बदन दर्द की तकलीफ घेरने लगती है। रात भर एसी में सोने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द आदि की परेशानियों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में बदन दर्द से बचें और एसी में कुछ ही समय के लिए रहें। अगर आपको भी एसी में रहने और सोने की आदत है तो इस आदत को थोड़ा कम कर दें और धीरे धीरे थोड़ा कम समय तक एसी में रहें, क्योंकि एसी में आप जितना कम समय तक रहेंगे आप बीमारियों से उतना ही बचे रहेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाए रखेंगे।